बड़े हर्ष और उल्लास का विषय कि भगवान श्री राम आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम के पावन मंदिर का दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु आगामी 22 जनवरी को अयोध्या पहुँचेंगे। भगवान श्री राम के पावन मंदिर का भव्य उद्घाटन और उसका दर्शन करने के लिए आस्थावानों पर किस तरह से आस्था उमड़ रही है, आपको अक्सर इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज आप देख रहे हैं कि जनपद औरैया के बेला थाना परिसर में स्थित भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर पर एक ऐसे ही राजस्थान भीलवाड़ा राजस्थान से पैदल जा रहे श्रद्धालु गोविंद का जो ये बहुत एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम, आप भीलवाड़ा से पैदल ही अयोध्या में नव स्थापित भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन और उसका दर्शन करने जा रहे हैं। आइए हम आज बेला थाना परिसर में इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? गोविंद। गोविंद, आप कहाँ के निवासी हैं? भीलवाड़ा राजस्थान। तो आपने यह यात्रा जो भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं कब शुरू की थी? 4 तारीख को। कौन महीने की? 4 दिसंबर को। आप भीलवाड़ा राजस्थान से पैदल आ रहे हैं। अच्छा, आप बहुत ही एक कहते नहीं हैं कि जोश और जुनून के साथ आप पैदल ही भगवान श्री राम के नव स्थापित मंदिर का भव्य उद्घाटन और उसका दर्शन करने जा रहे हैं, इसके पीछे आपकी क्या सोच है, क्या कहना, क्या उद्देश्य है? आप राम है या मंदिर है, राम का मंदिर के लिए उद्घाटन हो रहा है इसीलिए जा रहे हैं। और मैंने मांग की थी राजस्थान में बीजेपी आए, इसीलिए मैं बोलना की थी और मनोकामना पूरी हो गई, मैं इसीलिए। वेरी गुड मित्रों, आपने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मन्नत मांगी थी आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम से, और आपकी यह मन्नत पूरी ही हुई, इसलिए आप वहाँ उनके नव स्थापित मंदिर का भव्य उद्घाटन और जो 22 जनवरी को हो रहा है वहाँ पहुँचेंगे। आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, आपके पिता का क्या नाम है? बालू सिंह। अच्छा, माता का नाम? लाल कमर। अच्छा, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, कितना पढ़े हैं आप? 8वीं तक पढ़े हैं। अच्छा, तो आप भगवान श्री राम का दर्शन करने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, कुछ उनसे प्रेरणा लेकर क्या आगे काम करेंगे? प्रेरणा तो क्या, मैं तो यही चाहता हूँ कि राजस्थान में सहयोग अच्छा हो और माताओं बहनों के साथ में राजस्थान की सरकार में गलत हुआ तो ऐसी घटना ना हो, यही मांग। अच्छा, अब आप फिर यहाँ से अगली सुबह पैदल अयोध्या के लिए निकलेंगे, रास्ते में किसी प्रकार की आपको कठिनाई आई? मैंने अभी तक तो नहीं आई, तो अभी आई थी रास्ते में, परेशान किया 3-4 घंटों ने। अच्छा, परेशान किया रास्ते में लोगों ने? रास्ते में परेशान किया, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसे बहुत सारे सवाल किए। उन्होंने बोला कि तुम फ्रॉड हो, अयोध्या राम मंदिर जा रहे हो, तुम फ्रॉड हो, पैसे मांग रहे हो। अच्छा, तो अब आज ये शाम होने पर आप बेला थाना, आप ये देख रहे हैं ये बेला थाना परिसर है और इसी परिसर में स्थित है ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। ये देखिए, यहाँ इन्होंने आज ये आश्रय लिया है, इनको यहाँ मैंने बैठे और आराधना करते देखा तो इनसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम से प्रार्थना है कि वो अपने इस भक्त जो उनके दर्शन के लिए आ रहा है इसका मार्गदर्शन व रक्षा करें। आप की इस कुशल यात्रा की शुभकामनाओं के साथ अपने
चैनल न्यूज ऑफ इंडिया 201 के साथ संपादक घनश्याम सिंह।